प्रदेश के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा राज्य स्तरीय जैविक हाट का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभाग के 25 जिलों के किसानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कृषि उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी, जिसमें चंबल फर्टिलाइजर, एरन पोली वाइट्स, समाधान मोदी एग्रो प्रोडक्ट्स, अविटल बायोटेक तथा निफ्टेम के प्रतिनिधियों ने अपने अपने उत्पादों के बारे में जानकारी दी। एचडीपी स्प्रिंकलर पाइप का मैन्युफैक्चर हूँ, जिसमें सक्शन पाइप, कॉइल्स, स्प्रिंकलर पाइप, एचडीपी कॉइल्स सारा मैन्युफैक्चर है मेरा। इसका 10 ईयर्स का गारंटी है स्प्रिंकलर पाइप का, कभी भी कहीं से भी बस्ट होता है उसका मेरा 10 ईयर्स का गारंटी है। कॉइल का जमीन में गाड़ने के लिए पूरा लाइफ मेरी गारंटी है कि कहीं से पाइप फट जाए मेरा गारंटी है। इसी कॉइल्स को हम सबमर्सिबल पंप में उतारते हैं, जो बोरवेल होता है उसमें उतारने के लिए अगर पाइप की वजह से पंप नीचे बोरवेल में गिर जाता है उसका भी मैं आपको पैसा देने के लिए हकदार रहूँगा। मैं समाधान सेल्स कारपोरेशन का ऑनर हूँ और हम लोग ये प्रोडक्ट किसान भाइयों के लिए ही हम लोग ने मतलब तैयार किया है। ये मतलब कम बिजली में ज़्यादा पानी देते हैं, मोटर पंप सेट हमारे देते हैं हमारे। ये हमारा चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल है, आगे यूरिया, डीएपी, सल्फर, सुपर सभी कुछ आते हैं हमारा। जिसे हमारा सल्फर है वो जमीन में सल्फर की कमी को पूरा करता है, सुपर फास्फेट आता है, बाकी जिंक, पोटास सभी हमारे पास। दूसरा हमारा एक ना एक प्रोडक्ट आया है कोडामा करके, बीडी शाइड है ना, बाकी सभी रेंज है, क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है ना। राजस्थान में हमारा बहुत बड़ा प्लांट है, यूरिया का बहुत अत्याधुनिक प्लांट है। बाकी हम फार्मर्स की सोइल मतलब मिट्टी परीक्षण भी कराते हैं, मुफ्त में कराते हैं। किसानों के गांव गांव जाते हैं, उनसे मिट्टी लेके आते हैं, उनका पूरा परीक्षण कराते हैं, उसका कोई चार्जेज नहीं लिया जाता। इसके अलावा इस मेले में किसानों द्वारा जैविक खेती के माध्यम से उत्पादित किए गए उत्पाद भी विक्रय हेतु लाए गए, जिसमें गेहूं, चना, मिर्ची, हल्दी, गुड़, लहसुन के अलावा केचुआ खाद, गोबर खाद के सैंपल लाए गए। इस मौके पर कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि प्रदेश के किसानों को रासायनिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितने लोग किसान इधर आएंगे सबको लाभ मिलेगा और वो जो जहां चर्चा करेंगे उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आजकल जो स्थिति है पूरे पर्यावरण को, यानी जल थल नभ और तुम्हारा पंच तत्व, ये सारे के सारे बैलेंस जो है वो जैविक में है, जैविक खेती में है। पूरी हमारी जमीन है वो जहर से भर चुकी है और उसके जो रेसिड्यूस है हमारे अन्न में आ रहे हैं, पानी में आ रहे हैं, हवा में आ रहे हैं। तो यदि हमें लोगों के जीवन को बचाना है, विश्व ब्रह्मांड को बचाना है, तो हमें धरती माता की सेहत को ठीक करना पड़ेगा और उसकी सेहत को ठीक करने के लिए हमें गाय के गोबर, गौमूत्र और तमाम जो हमारी जैविक विधियां हैं खेती की उनको लागू करना पड़ेगा और उसके द्वारा जो पैदा होगा वो अमृत तुल्य होगा जो हमारी सेहत को ठीक करेगा। और इसलिए हमने ये जैविक हाट लगाया है और उन तमाम किसानों का स्वागत है और अभिनंदन है कि जिन्होंने खुद अपने खेतों में अपने तरीके से और अपने बलबूते ये जैविक कृषि करके और यहाँ पर वो सारे उत्पाद लाए, तो ये अब वो ये ऐतिहासिक दिन होगा। आगे आने वाले समय में हमें जैविक खेती के अलावा कोई मार्ग नहीं है। यदि हमें जिंदा रहना है, हमारी औलाद ठीक रहे, हमारी आने वाली प्रोजनी स्वस्थ और समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, तो हमें जैविक खेती करनी पड़ेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में हमने जैविक कृषि नीति बनाई और उसकी शुरुआत करी और उन तमाम किसानों को हम जो है प्रोत्साहन करने के लिए, और वो क्या क्या कर रहे हैं उनकी जो सक्सेस स्टोरी है यहाँ पर हम सुनेंगे और वो देख करके अन्य किसान भी लाभान्वित होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में प्रदेश के लगभग 3,000 किसानों को लाभ होगा। इस मेले में वित्त मंत्री राघव जी, कृषि संचालक डीएन शर्मा सहित अन्य अधिकारी व किसान उपस्थित थे। कैमरा पर्सन परवेश खान के साथ हृदय धारवाड़ी, एमएसटीवी न्यूज भोपाल।